निवाड़ी के पृथ्वीपुर में शराब के लेते युवक ने पैसे न देने पर अपनी ही माँ की मार मार कर हत्या कर दी। इसके बाद शव को एक कमरे में छिपा दिया। खुलासा तब हुआ जब कमरे से दुर्गंध आने लगी। मामला पृथ्वीपुर के ग्राम बिरोरा पहाड़ का है, जहां शनिवार को एक युवक ने मां बेटे के पवित्र और ममतामयी रिश्ते की हत्या कर दी है। यहां एक युवक ने शराब के लिए रुपए नहीं देने पर अपनी ही मां की पीट पीट कर हत्या कर दी। वारदात छिपाने के लिए शव को अनाज की कुटिया में डाल दिया। दुर्गंध आने पर दो दिन बाद मामले का खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक मुनिया यादव निवासी बिरोरा पहाड़ से दो दिन पहले गुरुवार को उसके बेटे जयपाल यादव ने शराब पीने के लिए रुपए मांगे थे, लेकिन मां मुनिया ने बेटे की आदत से तंग आकर पैसे देने से इनकार कर दिया, जिससे गुस्साए शराबी जयपाल ने मां से मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान बुजुर्ग मां को गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। घटना को छिपाने के लिए जयपाल ने शव को अनाज की कुटिया में ही छिपा दिया। इसके बाद घर में रहने लगा। दो दिन बाद पड़ोसियों को घर से बदबू आई, जिसके बाद संदेह होने पर पुलिस को सूचना दी गई। खबर मिलते ही थाना प्रभारी नरेंद्र त्रिपाठी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घर की तलाशी ली गई, जिसके बाद महिला को शव बरामद कर लिया गया। पुलिस ने जयपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोरा पहाड़ में एक मामला सामने आया, एक बेटे ने अपनी माँ की हत्या की, क्या पूरा मामला है? दोरा पहाड़ से सचिन यादव ने सूचना दी थी, उसके गांव के जयपाल ने अपनी माँ की हत्या करके शव को जो पानी भरने वाली डार रहती है उसमें रख दिया है। तेज़ बदबू आ रही है। उससे पूछा गया तो उसने बताया कि वो अपनी माँ को अपनी बहन के यहाँ छोड़ आया है, लेकिन जब तस्दीक की गई तो वहाँ पर बदबू की वजह से पता चला कि उसकी माँ तो उसने मार डाला, उसकी लाश को छिपा के डार में रख दिया है। मुकदमा कायम किया गया है, निरीक्षण जारी है। सर क्या मतलब किस कारण से हत्या की, कोई ऐसी जानकारी? ये शराब पीता था और इसने 3 तारीख को अपनी माँ से पैसे मांगे थे, शराब के लिए पैसे मांगे थे और सबके सामने मारपीट करी थी। उसके बाद उसको खींच के अपने घर में ले गया था। उसके बाद लोगों को पता नहीं है इसने कैसे मारा। आरोपी अभी गिरफ्तार हुआ? आरोपी अभी अभिरक्षा में लिया है और पूछताछ जारी है।